हेलो माय डियर क्लास 12th स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर का डिस्कशन, जो 2024 का रिलीज हो चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका जो पैटर्न है एग्जाम का वो किस तरीके से आएगा। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस के लिए देख सकते हो। जो लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर रिलीज किया गया है 2024-25 बैच के लिए, तो यहाँ पे हम उसको देख लेते हैं क्लास 12th। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन डिमांड ऑफ खिलाफत मूवमेंट। तो जो खिलाफत मूवमेंट की मेन डिमांड थी ना वो क्या थी उसके बारे में, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रिस्टोरेशन ऑफ द कैलिफेट ऑफ टर्की। क्या था ना कि जो टर्की के खलीफा थे उनको यहाँ पे क्या है, अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था, उनको वहां से उनकी गद्दी से हटा दिया था। तो उसके लिए जितना भी जो मुस्लिम कंट्रीज है, जो मुस्लिम वर्ल्ड है, वो क्या है नाराज हो गए थे किससे, अंग्रेजों से। तो इसीलिए उनकी डिमांड थी कि भैया यहाँ पे रिस्टोरेशन होना चाहिए दोबारा से खलीफा पोस्ट का। ठीक है, और ये जो खलीफा होते हैं ये जो उस समय पे मुस्लिम जगत के हेड हुआ करते थे। ओके, तो यहाँ पे उसी के लिए इंडिया में जो मूवमेंट चलता है वो खिलाफत मूवमेंट होता है, कि नॉन कॉपरेशन के पैरेलल में चलता है। जब गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे थे तो उसी समय पे यहाँ पे जो अली ब्रदर्स है वो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यू डिड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है कि नॉट में पूछा, यानी नेगेटिव चीज है। तो इश्यू ऑफ कार्ट्रिज ये तो हुआ करता था उस समय पे, है ना, 1857 के समय पे ये चीज तो फैली थी वहां पे। उसके बाद कॉन्वर्जेशन ऑफ इंडियंस टू द क्रिश्चियनिटी ये भी यहाँ पे हुआ था। मिक्सिंग ऑफ द बोन डस्ट इन फ्लोर ये यहाँ पे ये भी अफवाह फैलाई गई थी कि भाई आटे में जो है वो हड्डियों का चूरा मिलाया जा रहा है। लेकिन डिसऑनरिंग द हिंदू विमेन ऐसा कुछ नहीं हुआ था 1857 के रिवॉल्ट में कि लेडीज का डिसऑनर किया गया हो। तो यहाँ पे ये जो तीनों चीजें हैं ये हुआ था, कार्ट्रिज वाली प्रॉब्लम हुई थी जो सुअर की और गाय की जो चर्बी लगा के मतलब अटैक किया जा रहा है, तो ये चीज हुई थी वहां पे। और क्रिश्चियनिटी को लेके भी था, क्योंकि भाई ये जो अंग्रेज थे उनका मेन एजेंडा था कि क्रिश्चियनिटी में तब्दील करना है हिंदूज को। ठीक है, और ये तो हमने देख ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द बेस्ट नोन रूलर ऑफ द सातवाहनास डायनेस्टी। तो सातवाहनास डायनेस्टी के सबसे जो ग्रेट लीडर थे, ग्रेट रूलर थे, उनका नाम क्या है, गौतमी पुत्र श्री सत्कर्णी। ये जो रूलर्स हुआ करते थे ये मैट्रिडिनी समाज से बिलोंग करते थे, अपनी मदर का नाम ये अपने नाम से पहले लगाते थे। ठीक है, तो गौतमी इनकी मदर का नाम है, उनके जो पुत्र हैं यानी पुत्ता श्री सत्कर्णी उन रूलर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो इमेज है ये किस चीज की दी गई है। तो ये जो इमेज है ये एक टेराकोटा फिगर है जो महाभारत की सीन से लिया गया है। ओके, आंसर सी इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रिल द ब्लैंक्स पूछ रहा है यहाँ पे, तो अशोका इरेक्टेड अ पिलर एट डैश टू मार्क दैट ही हैड विजिटेड दैट प्लेस। तो अशोका जो है ये इन्होंने कहाँ विजिट किया था, ठीक है, जहां पे इन्होंने पिलर पे वहां पे इरेक्ट करवाया था कि भाई मैंने यहाँ पे विजिट किया है। तो ये गए थे लुम्बिनी, जो गौतम बुद्ध की बर्थ प्लेस है ना, वहां पे इन्होंने विजिट किया था। ओके, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिक्स्थ वाला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट हरप्पन कल्चर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है हरप्पन कल्चर से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, द मेन यूनिक फीचर वॉज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर। यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या जो हरप्पन सिविलाइजेशन का यूनिक फीचर था अर्बन सेंटर, बिल्कुल सही बात है, ये तो था। उसके बाद नेक्स्ट है, द सेटलमेंट वर डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन दैट इज सिटाडेल एंड लोअर टाउन, ये भी था। ड्रेनेज सिस्टम वाज ऑर्डिनरी एंड अनप्लान्ड। अरे भाई, ड्रेनेज सिस्टम तो बहुत बढ़िया था इन लोगों का, एकदम प्लान्ड तरीके से बनाया गया था, ऐसा तो आज भी नहीं बनता, इतना प्रॉपर तरीके से उन्होंने इसको तैयार किया था उस समय पे, इतने हजारों साल पहले, बहुत प्रॉपर एंड प्लान्ड इनका ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा गलत। ओके, एंड रोड्स वर नॉट लेड आउट अलोंग अ ग्रिड पैटर्न। जो वहां पे जो उनकी रोड थी क्या वो ग्रिड पैटर्न को फॉलो नहीं करती थी? अरे बिल्कुल करती थी। देखो, जैसे इन लोगों की जो गलियां होती थी ना, जैसे सपोज करो ये रोड है, ठीक है, और यहाँ से भी रोड आ रही है ऐसे करके, तो इन लोगों की जो घर है ना वो इस इधर बने होते थे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे,
है ना इस पॉइंट पे, तो ये ग्रिड पैटर्न को फॉलो करते थे और इसके दोनों साइड में यहाँ पे आपको रोड देखने को मिलेंगी प्रॉपर तरीके से और बीच में स्पेस देखने को मिलेगा, तो ये इनके रोड की बनावट हुआ करती थी, ये प्रॉपर ग्रिड पैटर्न को फॉलो करते थे, तो यहाँ पे नॉट पूछ रहा है तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ओके तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वन एंड टू ओनली। तो आंसर यहाँ पे देखिए कौन सा है, यहाँ पे आंसर है बी, वन एंड टू वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, बाकी ये दोनों गलत है। उसके नेक्स्ट देखेंगे, देर आर द टू स्टेटमेंट मार्क एज अशर्सन एंड रीजनिंग, ये आपको बहुत विशेष तरीके से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। अशोका इंस्क्राइब हिज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट एंड ऑफिशियल्स ऑन द स्टोन सर्फेसिस, बिल्कुल सही बात है, अशोका ने ही स्टार्ट किया था इंस्क्रिप्शंस लिखवाना किस पे, स्टोन्स के ऊपर, ठीक है। एंड ही वॉन्टेड टू प्रोक्लेम दैट रिलीजन शुड बी फॉलोड बाई ऑल, क्या उसने ऐसे बाउंड किया था अशोका ने कि भाई जो रिलीजन मैं फॉलो कर रहा हूँ वो सबको फॉलो करवाना है, ऐसा कुछ भी नहीं था, उसने किसी को बाउंड नहीं किया था, ये हिंदू समाज से बिलोंग करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने कलिंगा वॉर के बाद बुद्धिस्ट धर्म को अपना लिया था, इनको अपनी गलती का एहसास होता है कि भाई मैं ये खून खराबा मार काट क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, कितने बच्चों को मैंने अनाथ कर दिया, कितनी औरतों को मैंने विधवा कर दिया, जब इनको रियलाइज होता है तो ये धम्मा को अपना लेते हैं, बुद्धिस्ट धर्म को अपना लेते हैं और बहुत इनमें चेंज आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ना ये गलत है और इसका असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी आंसर सी इज करेक्ट। एट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द क्राफ्ट सेंटर रिलेटेड टू द हरप्पन सिविलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे हरप्पन सिविलाइजेशन से आपको बताया जा रहा है कुछ इंफॉर्मेशन, तो बोथ द नियर द कोस्ट, यानी कोई भी मतलब बोथ मतलब दो, ठीक है, तो दो शहर ऐसे हैं जो कोस्ट के नियर है एंड दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट, तो ये नन अनदर देन नागेश्वर एंड बालाकोट, ठीक है, तो यही दो ऐसी प्लेसेस थी उस समय पे जो कोस्टल एरिया के पास थी और यहाँ पे शेल ऑब्जेक्ट का काम होता था। अच्छा ये आपको मतलब शेल के लिए विशेष ध्यान देना, ऐसे तो कोस्टल एरिया पे और भी पड़ती थी जैसे लूथल है ना, चन्नूदड़ो है, ये सब भी है, लेकिन शेल का जो शेल ऑब्जेक्ट का जो काम होता था वो कहाँ होता था ये आपको ध्यान देना, ठीक है, तो ये होता था नागेश्वर एंड बालापुर। देन नाइन्थ क्वेश्चन है, हु रोट द बुक किताबुल हिंद, किताबुल हिंद जो बुक है ये किसने लिखी है, ये लिखी है अल बिरूनी। ओके उसके बाद नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो यहाँ पे मगधा एम्पायर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे बताना है आपको करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इसके अंदर कुछ गलत भी दिए गए होंगे तो आपको करेक्ट पहचानना है। ओके तो यहाँ पे क्या है, पहला बोल रहा है इनिशियली पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल ऑफ मगधा, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इनिशियली जो उसकी कैपिटल थी वो थी राजगीर। ओके एंड सेकेंड बोल रहा है चंद्रगुप्त वॉज वन ऑफ द अर्ली रूलर ऑफ मगधा हु रूल्ड इन द 6th BCE, ये गलत है भाई, अर्ली नहीं था ये, वो तो हरेक डायनेस्टी आई थी पहले, बिंबिसार वॉज द फर्स्ट रूलर ओके मगधा का, चंद्रगुप्त तो मॉडर्न डायनेस्टी के थे जो तीसरे नंबर पे आती है डायनेस्टी, पहले आती है हरेक डायनेस्टी, फिर आती है आपकी शिशुनाग डायनेस्टी, फिर आती है आपकी नंदा डायनेस्टी, सॉरी चौथे नंबर पे थे, ठीक है, नंदा डायनेस्टी आती है थर्ड पे और फिर आती है आपकी मॉडर्न डायनेस्टी, ठीक है, तो ये चौथे नंबर पे आई थी डायनेस्टी, लेकिन पहले तो यहाँ पे हरेक डायनेस्टी जो है उसके रूलर थे बिंबिसार, तो ये भी गलत हो गया। ओके फर्स्ट वाला भी गलत है, सेकंड वाला भी गलत है, थर्ड मगधा बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद इन द 6th BCE, ये बिल्कुल सही है, मगधा बहुत ज्यादा पावरफुल था, ठीक है, उस समय पे जितने भी महाजनपद थे उन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल था मगधा। एंड लास्ट वाला तो फिर छोड़ ही दो क्योंकि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, ठीक है, तो अशोका वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, तो मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। ओके अशोका तो उनके पोते थे। उसके नेक्स्ट देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर दिस दरगाह is located from the given option. तो आपको दरगाह जो है इसको पहचानना है, यहाँ पे दे रखा है इट इज अ दरगाह ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, यहाँ पे यू कर लो, ओके मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जहां पर, और सेकेंड है अकबर विजिटेड दिस प्लेस मैनी टाइम्स, और अकबर जो है यहाँ पे 14 बार गए थे, कई बार उन्होंने यहाँ पे विजिट किया, मतलब 14 बार विजिट किया था, तो ये था आपका अजमेर में जो आज भी बहुत फेमस दरगाह है, लोग यहाँ पे जाते हैं माथा टेकने। एंड 12th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज द सोर्स ऑफ कॉटन आफ्टर द ब्रेक ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर इन 1861,
1861 में जब अमेरिकन सिविल वॉर हो गया था यूरोप और अमेरिका के बीच में, मतलब वॉर चल रही थी, तो यहाँ पे किसकी ट्रेडिंग बंद हो गई थी, यहाँ पे अमेरिका से कॉटन जो है वो सप्लाई नहीं हो रहा था, तो उस समय पे किसने कमान संभाली थी भैया, वो था इंडिया। इंडिया से कॉटन जो है ये यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है, और फिर उसके बाद क्या करते हैं जो अंग्रेज हैं वो यहाँ से रॉ मटेरियल्स ले जाते हैं और फिनिश्ड गुड्स बना के हमारे कंट्री में उल्टा भेजते हैं। तो उस समय पे मतलब आपको ये बताना 1861 में जो है वो कौन सा कंट्री आया था सामने सोर्स ऑफ कॉटन का, वो है इंडिया। और हमारे भारत में सबसे ज्यादा कॉटन कहाँ पे होती है बताओ जरा, ये क्वेश्चन है आपके लिए। ओके, आपको आपको कमेंट में बताना है कि ये सबसे ज्यादा कॉटन जो है हमारे भारत में कहाँ उगाई जाती है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको देखना है लॉर्ड कार्नवालिस, तो आपको बताना है भैया ये गवर्नर जनरल थे बंगाल के। ओके, उसके नेक्स्ट है अगस्टस क्लीवलैंड, तो अगस्टस क्लीवलैंड जो है इन्होंने पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन लगाई थी। ओके, एंड फ्रांसिस बुकानन, बुकानन जो है इसने ये ऑब्जर्वर था, इसको भेजा गया था राजमहल हिल्स में, देख के आओ वहां पर ट्राइबल क्या कर रहे हैं, पहाड़ीज क्या कर रहे हैं। एंड डेविड रिकार्डो, तो ये किसके लिए है, ये एक इकोनॉमिस्ट थे। ओके, तो आपको ऐसे मैच कर लेना। अब देख लो जरा, अब लॉर्ड कार्नवालिस जो है ये किससे मैच हो रहे हैं, थ्री से, अगस्टस क्लीवलैंड पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन, यानी 3, 4, 1 and 2। ओके, तो 3, 4, 1, 2 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है सी, आंसर सी इज करेक्ट। देन 14th क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फ्लैग ऑफ द रिवॉल्ट 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश इन बिहार, तो यहाँ पे बिहार में कौन कमान संभाल रहा था 1857 के रिवॉल्ट में, कौन देख रहा था बिहार को, तो ये थे कुंवर सिंह, आंसर सी इज करेक्ट। आपको ध्यान रखना है नाना साहेब कहाँ के थे, कानपुर के थे, और आपको ब्रिजिस कदर जो है ये ध्यान देना है ये कहाँ के थे, अवध के थे, ऐसे करके आपको सारे ध्यान रखने हैं, मेनली झांसी है ना, और आपके बिहार है, मेरठ है, ये सारे। 15 देखेंगे, द डैश वॉज अमाउंट असेस्ड एंड द डैश वॉज अमाउंट कलेक्टेड, यानी कितना अमाउंट असेस किया जा रहा है, यानी प्रिडिक्ट किया जा रहा है कितना मिलेगा और कितना अमाउंट असली में कलेक्ट हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जमा और इसको बोलेंगे हासिल। ओके, तो जमा और हासिल करके डाल देना, तो ये कहां पे, ये रहा जमा एंड हासिल। 16 क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवल्ड इन द विजयनगर एम्पायर इन द 15th सेंचुरी एंड वाज ग्रेटली इंप्रेस्ड बाय द फोर्टिफिकेशन ऑफ द एम्पायर, ये है अब्दुल रज्जाक, आंसर सी अब्दुल रजाक जो है ये पर्शिया से आया था, एम्बेसडर था ये, और ये बहुत इंप्रेस होता है 7 layers ऑफ फोर्टिफिकेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर से। उसके नेक्स्ट है 17th, अब्दुल फजल वाज अ कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर, तो ये किसके दरबार में थे, नौ रत्नों में से एक थे ये, और नौ रत्न किसके दरबार में थे बताओ, ये थे अकबर के दरबार। उसके बाद 18th क्वेश्चन है, Fill in the blanks from the given option. The Dashera festival was held with a great prestige and power in Mahanavami Dibba. Mahanavami, देखो आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे नॉर्थ इंडिया में क्या है ना, महानवमी या नवमी का त्योहार जो होता है वो नवरात्रों को बोला जाता है, और नवरात्रों के जस्ट 9 दिन के बाद 10वां दिन जो होता है वो दशहरा, तो दशहरा फेस्टिवल जो है ये नवमी से आप मतलब रिलेट कर सकते हो, और यहाँ पे ये क्या है पूरा इनके 9 दिन या 10 दिन चलने वाला त्योहार होता था विजयनगर एम्पायर के अंदर में, बहुत ही ग्रेट सेलिब्रेशन होता था यहाँ पे। 19 देखेंगे, वाई वॉज द टास्क ऑफ डिफाइनिंग माइनॉरिटी राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिफिकल्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे माइनॉरिटी राइट्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब हमारी बन रही थी तो किस तरीके की डिफिकल्टीज यहाँ पे मतलब फेस की जा रही थी, तो यहाँ पे था देखो स्टूडेंट्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जो है ये आ जाते हैं, तो डिफरेंट ग्रुप्स हैड डिफरेंट डिमांड रिगार्डिंग द राइट्स, वही अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग उनकी डिमांड उठेंगी राइट्स को लेकर, तो यहाँ पे वो आंसर आ जाएगा करेक्ट यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 20th क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पर्सन फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, यहाँ पे किसी पर्सन से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आपको वो पर्सन पहचानने हैं, तो He was born at Tangier in one of the most respected, respectable and the educated family. बहुत ही अच्छी family में ये पैदा हुए थे और Tangier में पैदा हुए थे, ये कहाँ है अफ्रीका में पड़ता है। He considered experience gained through the travel as a source. अब देखो यहाँ पर traveling का जैसे नाम आ जाएगा ना, तो traveling में जो बंदा बहुत ज्यादा मतलब उसको बहुत पसंद था traveling करना और वो अपने experience से सब कुछ सीखते थे, वो थे आपके इब्न बतूता। ओके, इब्न बतूता को याद रखना है ट्रैवलिंग से रिलेटेड, तो
इनको बहुत शौक था ट्रैवलिंग करने का. ही हैड ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली इन मिडिल ईस्ट एंड फ्यू ट्रेडिंग पोर्ट्स ऑफ द कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका. ही रोट द बुक ऑफ रिहाला. रिहाला बुक इन्होंने लिखी है, तो आपको रिहाला से इसको कोरिलेट करना है, ट्रैवलिंग से करना है, तभी आप पकड़ में आ जाएगा आंसर. 21st क्वेश्चन देखेंगे. गांधी जी आज द रेमिशन फॉर द टैक्सेस ऑफ द पीजेंट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग. तो कौन से मूवमेंट में गांधी जी ने टैक्सेस को हटाने की डिमांड की थी? तो ये था आपका खेड़ा सत्याग्रह. तो ये था 1918 में हुआ था स्टूडेंट. खेड़ा कहाँ है? गुजरात के अंदर. तो यहाँ पे आंसर सी इज करेक्ट. सेक्शन बी देख लेते हैं. यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बोल रहा है. तो यहाँ पे थ्री फीचर्स बताने हैं आपको बरियल साइट्स के. तो जैसे हरप्पा सिविलाइजेशन जो थी वो किस तरीके से लोगों को दफनाती थी, जो दफनाने की प्रक्रिया थी उसमें वो पोट्रीज भी रखती थी, उनके ऑर्नामेंट्स वगैरह भी रखती थी और पिट्स बनाते थे कुछ लोग. कुछ लोग उसको अच्छे तरीके से ग्रेव बनाते थे उसके चारों तरफ, है ना. कुछ लोग जो है ऐसे हॉलोड स्पेस बना के उसमें दफना देते थे. तो ये जो सारी चीजें हैं, कुछ लोग ब्रिक्स से चिनाई करके उसका प्रॉपर एक ऐसे तैयार करते थे मजार टाइप, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, आपको उसके फीचर्स डाल देने हैं और फिर उसके बाद आपको ग्रेट बात के बारे में बताना है. तो ये एक रेक्टेंगुलर मतलब एक रेक्टेंगुलर टाइप का, मतलब आप ये मान लो स्विमिंग पूल टाइप का, ठीक है. रेक्टेंगुलर शेप का था ये और इसमें क्या है, स्टेयर्स थी नॉर्थ से एंड साउथ से नीचे जाने के लिए और यहाँ पे अंदर जो है पूरा मोटर का काम हो रखा था. मोटर मतलब आपका पूरा गारे का अच्छे से चिनाई हो रखी थी इसके अंदर, मतलब पानी लीक नहीं कर सकता है, बिल्कुल एकदम वाटर टाइट था ये. इसमें पानी फिल करते थे लोग. उसके बाद क्या है, इसे जो ये पानी है इसको निकलने के लिए यहाँ पे चैम्बर बना रखे थे और इसके मतलब ये इसके पूरा आपको बताना है ग्रेट बात की इंपॉर्टेंस. ये रिचुअली यहाँ पे लोग जो है बात लेते थे, है ना. ऐसे करके आप उसको आंसर को डाल देना. आप देखो क्या है स्टूडेंट, मैं ये एक एक जो क्वेश्चन है इसको एक्सप्लेन करूंगी तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी. तो आपको क्या करना है, इसको पूरे के पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, इन क्वेश्चंस की अच्छे से राइटिंग करनी है. ये देखिए यहाँ पे सेक्शन सी भी दे रखा है. उसके बाद सेक्शन डी में यहाँ पे सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी दे रखे हैं. द वर्ल्ड बियॉन्ड द पैलेस, है ना. तो ये बुद्धिस्ट धर्म से लिया हुआ है, मतलब बुद्धिस्ट वाला जो चैप्टर है ना उधर से लिया हुआ है. इसको आपको पूरा पढ़ना है. उसके बाद फिर इसको आइडेंटिफाई करना है. पूछ रहा है आइडेंटिफाई द पर्सन हु परसुएडेड द किंग टू रिनाउंस द वर्ल्ड. तो ये कौन थी, कमलावती थी, जिसने अपने पति को जो है ये बोला था कि भैया सारी मोह माया त्याग दो, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है, जंगलों में फिर ये अपने बच्चे को लेके चले जाते हैं, अपने बच्चे और अपनी बीवी को लेके ये वहां पे रहते हैं. कमलावती जो है वो उनको मतलब एक तरीके से दिखाती है सच्चाई क्या है दुनिया की, है ना. तो ये सब चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा. आपको बुक के जितने भी सोर्सेज है ना उनको एक बार रीड करना है, उनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. वैसे एमबीडी बुक में उसके आंसर्स गिवन है तो आप पूरा देख सकते हो, बुक से ही आते हैं मोस्टली. उसके बाद यहाँ पे देखो 32 वाला जो है एक डिमोन, ये कराईकल अमैयर के ऊपर है, जो नयानार की एक लेडी सेंट थी ना उनके ऊपर है ये पूरा. तो आपको इसको देख लेना है स्टूडेंट, इसको इसके बारे में पढ़ना है. ये अकेली ऐसी लेडी थी, उनको डिमोन बोला गया था, मतलब पिशाच जिसको बोलते हैं. उसके बाद 33 वाला जो क्वेश्चन है ये क्या है, यहाँ पे द ब्रिटिश एलिमेंट इज गॉन बट दे हैव लेफ्ट द मिस्चीफ बिहाइंड. तो अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने पीछे जो चीजें छोड़ के गए हैं, तो उसके पीछे हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है सब बनाने में. सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं यहाँ पे, है ना, किस तरीके से ये सारे सारे प्रिंसली स्टेट्स को मिलाने का काम करते हैं, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस की थी हमारे लीडर्स ने. तो उससे रिलेटेड है यहाँ पे, आपको उसको अच्छे से पढ़ना है. उसके बाद यहाँ पे सेक्शन ई दे रखा है, ये आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पे कुछ लोकेशंस पूछ रखी हैं. तो जैसे ये जो प्लेस है ये आपकी क्या है, ये है आपकी अमृतसर, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे ए पे क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, ये आपका दे रखा है चंपारण, बिहार के अंदर लोकेट कर रखा है ना ए. तो देखो यहाँ पे जैसे बोल भी रहा है कि कालीबंगा हरप्पन साइट, तो आपको यहाँ पे वही पहचानना है कि कालीबंगा कहाँ थी. तो कालीबंगन साइट आपकी राजस्थान में मिलेगी, है ना, जहाँ पे जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, उनके एविडेंसेस मिले हैं, फ्लो फील्ड मिले हैं. तो ये आपको यहाँ पे मार्क करना है कालीबंगा, समथिंग इधर मार्क कर सकते हो आप, इधर इधर ये है आपका कालीबंगा राजस्थान के अंदर, यहाँ पे मार्क करना है. उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पे आगरा अ टेरिटरी, इसको तो भाई जानते ही होंगे, अंडर द बाबर अकबर एंड औरंगजेब. तो आगरा जो बहुत फेमस सिटी है यूपी का, तो आप इसको यहाँ पे लोकेट कर सकते हो. आपको लोकेशन पक्का पता होनी चाहिए तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आप कहीं भी डाल के आ जाओगे तो नहीं मिलेंगे. सांची बुद्धिस्ट साइट, बहुत फेमस साइट है सांची, तो ये एमपी में पड़ती है, बिल्कुल आप सेंटर में डाल देना. दिस इज सांची, ओके. उसके बाद नेक्स्ट है
यहाँ पे देखो और में बोल रहा है ये, और अजंता भी डाल सकते हो आप। तो अजंता कहाँ पे है, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर है ना, तो आप इसको यहाँ पे लोकेट कर दीजिए समथिंग, क्या ठीक है। तो ये चार लोकेशन हमने यहाँ पे पॉइंट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे ए और बी वाला जो पूछ रहा है ना, ये मैंने आपको भी बताई दिया है कि ए वाला जो है ये आपका चंपारण है, दूसरा वाला जो है ये आपका अमृतसर है जहाँ पे नेशनल मूवमेंट हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या है ना, हमारा ये क्वेश्चन पेपर होता है फिनिश। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर काफी लेंथी है, मैं इतना सारा कुछ आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, तो आपको इसकी पूरी पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और अगर आपको इसके आंसर्स भी चाहिए तो इसके आंसर्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, मैं डाल दूंगी, आप देख लेना इसके आंसर्स। बाकी के जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी वो आपको सैम्पल पेपर के साथ मिलेगी, उसके आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे, उसके आंसर्स आपको खुद सॉल्व करने पड़ेंगे। ये तो सीबीएसई का एक सैंपल पेपर है कि मतलब आपको बताया गया है कि भैया इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा, तो आप इसको लगाने की कोशिश कीजिए, आपको इससे पता लगे कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, ठीक है। तो अभी मतलब नहीं भी हुई है तो अभी समय है, अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ओके, तो आपको नेक्स्ट जो सैंपल पेपर है वो मैं आपको कंटिन्यूअसली देती रहूंगी। अभी देखिए लास्ट ईयर जो है मैंने 23-24 ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के लिए वहां पे अरिहंत के 15 सैंपल पेपर जो है वो सॉल्व करवाए हैं, तो आप मेरी वो वीडियोस भी जाके देख सकते हो, आपको पूरी उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के मैंने अरिहंत के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, तो आपको उनसे भी बहुत हेल्प मिलेगी। और देखो क्वेश्चन थोड़े बहुत ही चेंज होते हैं, ऊपर नीचे अरिहंत की है, इसमें से काफी क्वेश्चन फंस भी जाते हैं, लेकिन आपको क्या है लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी जरूर देखने हैं और इस बार के क्वेश्चन भी जरूर देखने हैं, ठीक है। तो इस बार की मैं आपको पूरी प्रैक्टिस कराऊंगी, अभी जैसे ही अरिहंत के सैंपल पेपर आ जाएंगे मैं आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कराऊंगी, और आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी हो जानी चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स का शेयर कर देना, और अगर जो बच्चे नए हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे देखा है वो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और देखो लाइक करने में क्या ही जाता है यार, लाइक अंगूठा ही तो लगाना है। ओके, तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद सैंपल पेपर। बाय बाय स्टूडेंट्स।